दही आ गया फटाफट से ब्रेकफास्ट करते, क्योंकि यही चेहरा है जो यहाँ बगल में पीछे खड़े होकर ऐसे पोज दे रही है। अरे पूरी पलटन आई हुई है, लग रहा पूरा गर्ल्स कॉलेज आ गया है। उनके फॉरेनर्स के सामने यार अच्छा बनना पड़ता है ना, इंडियन लोग कितने स्मार्ट होते हैं। तो गाइस हम लोग कर रहे हैं अब चेकआउट, अभी बज रहे हैं लगभग 8:30। टोकस है ना काफी बड़ा बना हुआ है, जब तक ब्रेक लगाएगा तब तक गाड़ी इधर उधर पलट पड़ा जाएगी या तो वो। Hey guys, good morning. Welcome back to another vlog. आज बहुत बढ़िया नींद आई, 10:30 हो गए एक्चुअली। आज हम लोग ब्रेकफास्ट करने गए नहीं, हमने कहा मंगा लेंगे, आज जाएंगे नहीं चैन से सोएंगे। तो खूब बढ़िया तगड़ी नींद आई, सुबह खुली थी 6:30 बजे आँख, फिर अब जाकर खुली है। और बाहर मौसम आज थोड़ा ठीक है लग रहा है कि मतलब बादल, हाँ पूरे बादल कवर हो रखे हैं, आज मौसम अच्छा लग रहा है। तो फाइनली आज लगा कि मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया है। और ये एक गाड़ी दिखाता हूँ, ये देखो भाई, ये कौन सी गाड़ी है इसका तो पता ही नहीं है कौन सा मॉडल है कौन सा किस, ये टोयोटा की है तो ऐसा तो कैब है, ये टेम्पो ट्रैवलर है क्या, ऊपर से समझ नहीं आ रहा है। टेम्पो ट्रैवलर ऐसा तो नहीं होगा, खैर पर मस्त है, पूरा एक ले लो पूरी फैमिली और आस पड़ोस के लिए भी हो जाएगी। और वास बारिश तो हो जाए, कल रात में हुई थी बारिश लेकिन हल्की फुल्की हुई थी, ज़्यादा नहीं हुई क्योंकि देखो सब सूखा ही पड़ा हुआ, ज़्यादा नहीं हुई, रात भर में सूख गया। चलो ये सही है, आज बढ़िया वेदर अच्छा है। अभी ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया है, अभी थोड़ी देर में आएगा खाएंगे। अभी फिलहाल फ्रेश हो लेते, थोड़ा सोने गई है वाशरूम, फिर मैं भी जाता हूँ फ्रेश होता फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। तो गाइस आ गया अपना ब्रेकफास्ट, हमने आलू और ओनियन मतलब आलू प्याज के पराठे मंगा लिए, चाय आ गई, दही आ गया, फटाफट से ब्रेकफास्ट करते क्योंकि रोज उठो भागो एकदम से, कल बहुत ऐसे उठ के भागो, इसलिए भी हमने ब्रेकफास्ट नहीं लिया। मैंने कहा सुबह देख लेंगे, अगर नीचे जाएंगे तो मंगा लेंगे, तो अगर नींद बहुत बढ़िया आई मैंने कहा यार अभी सोते रहते हैं आराम से मंगा लेंगे, अभी 11 बजे आराम से मंगाए आलू पराठे मंगा लिए, आराम से खाएँगे और लंच का लंच देखेंगे। तो फिलहाल बहुत बढ़िया, सुबह सुबह दही मज़ा आ जाएगा, तो खाते निपटाते हैं अपना ब्रेकफास्ट शांति से। तो गाइस नाना दोनों हो गया, मस्त चाय पी ली है, अभी लगभग 1 बज रहा है और बाहर का मौसम तो बढ़िया हो रखा है। मैडम भी अपना पानी पी रही हैं क्योंकि चाय पान कर दी ना, तो चाय के बाद पानी पी रही हैं। और सीन तो जैसा है मौसम बढ़िया है, आज इतनी गर्मी नहीं है, हमने आज सुबह से एसी बंद करा होगा ना, दोबारा तो एसी चलाया ही नहीं है, मस्त मौसम हो रखा है। बाहर विंडो खोल कर देखा तो जो हवा आ रही है ना वो भी इतनी गर्म नहीं है, मतलब ठीक है बढ़िया आ रही है, अगर मान लो फैन वैन ना भी चलाना तो बाहर से जो हवा आ रही है तो कम्फर्टेबल है, नहीं सही साट एकदम। और दोनों भाई ने आज शेविंग भी कर ली थी, थोड़ा एकदम जानवर से इंसान लगने लग गया है अभी इसको, जब आज रात में अगर हम निकले कल घर पहुँचे ना तो कल इसमें बियर्ड लगा करके इनको थोड़ा सा कलर करूँगा क्योंकि ये वाइट हो रही है, तो यहाँ किया नहीं मैंने, कहा घर जा करेंगे, यहाँ बस आज हल्की फुल्की शेविंग कर लीजिए क्योंकि नीचे फॉरेनर्स आ रही हैं और उनके फॉरेनर्स के सामने यार अच्छा बनना पड़ता है ना, दिखाना पड़ता है ना इंडियन लोग कितने स्मार्ट होते हैं। तुम क्यों जेलस हो रही हो, तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूँ वो, मैं फॉरेनर्स के लिए बोल रहा हूँ। एक फॉरेनर तो आई हुई थी, उसको इस होटल के लोकेशन नहीं मिला था, तो उसने पूछा हेलो, मैंने कहा यस, देखेंगे भी नहीं इतना, क्या मैं इतना बुरा हूँ, मैं बड़ा यही चेहरा है जो यहाँ बगल में पीछे खड़े होकर ऐसे पोज दे रही है ना, तुम्हें लगता है कि ऐसे कोई और अपरूट अपरूट चेहरा होता था ये खड़ी होती है ऐसे, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, देखा ना इसलिए पूछता हूँ कि कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, लड़ी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले लोग। आज नहीं बोली कितनी चालाक है, वैसे तुरंत काउंटर करती है। धक्का दे दूंगा ना तो नीचे ना तेरी कचौड़ी बन जाएगी। किसी समझदार इंसान ने लिखा है कि अनचाही बातों पर बकवास ना कीजिए। छोड़ो मैं आपको व्यू दिखाता हूँ बाहर का, ये देख लो भाई नीचे तो गाड़ियां लगी हुई हैं और सामने देख लो चौकस मौसम हो रखा भाई, चौकस A1 ये सही है यार गुरु, वो क्या टीवी टावर है, हाँ जी जब ये वाली बस आई ना इसमें वो स्कूल बस आए, मतलब स्कूल बस में किड्स आए, मतलब ड्रेस पहने हुए थे लगभग, ये देखो ना जा रहे हैं, अब पता नहीं है यहाँ कौन सी सैर सपाटा के लिए आए हैं,
तक आउटिंग हुई होगी स्कूल की तरफ से, पार्टी होगी, रावत की कचौड़ियाँ, क्या कहना चाहेंगे इसमें? वो सब लोग रावत की कचौड़ी खाने हैं, हैं? क्लोज लुक दीजिए अपना, डरा मत, जनता डर जाएगी। ये ऊद बिलाओ ऐसे तो वहाँ क्यों बैठी, पहले बताइए सोफा इसके लिए है? हैं? हैं? ये हमने तो प्लान कर लिया इस रूम को खरीदने के लिए और तुम ये दिखा रही हो, हाँ अभी पेमेंट नहीं किया है समझे, नीचे नीचे आ जाओ, जब हाँ तो नीचे आ जाओ, अपनी चीज को ऐसा नहीं करते हैं, अगर अपनी चीज को ऐसा करेंगे तो सोचो बाहर वाली चीज को कैसे करेंगे, इसलिए कहा था सरकारी स्कूल में पढ़े हो ना इसलिए ब्लडी अरे यार बारिश हो जाए यार, बारिश देखने का मन है मेरे को यार, यहाँ से बारिश ही नहीं हो रही है, बस झमाझम बारिश हो जाए ना, मौज हो जाए, मुझे क्यों दिक्कत होगी यहाँ से, क्यों दिक्कत होगी यहाँ से, काश तुम धक्का दो नीचे कोई फॉल नहीं करो, आओ मैं तुम्हें कैच कर लूंगी, अरे क्यों मुझे सू करेगी कुछ भी, अरे यार बहुत बच्चे आए यार, ए, पूरी दो बसें आ गई, ये देखो पूरी दो बसें हैं पूरी, सुनिया देख, अरे पूरी पलटन आई हुई है, लग रहा पूरा गर्ल्स कॉलेज आ गया है, ये तो नाइंसाफी यार, गर्ल्स आई और बॉयज नहीं आए, ये तो नाइंसाफी है, भेदभाव हो रहा है भाई, भेदभाव, ये स्कूल वाले भेदभाव कर रहे हैं, क्या क्या बॉयज को कचौड़ी अच्छी नहीं लगती, क्या उनका हक नहीं कि वो कचौड़ी खाएं रावत की, ये तो बड़ा नाइंसाफी है, मैं सरकार से गुजारिश करूंगा अब उनको मुआवजे के तौर पर दो दो कचौड़ी भिजवाई जाए, नहीं थे इतनी सारी गर्ल्स निकली एक बॉयज नहीं निकले, तुम कैसी बात कर रही हो, तुम तो ऐसे बता रही हो बॉयज़ को पहले भेज दिए गए अंदर ताकि गर्ल्स आराम से निकल सकें, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ गर्ल्स आई हैं, तुम्हें कोई दिखता तो है नहीं, कल कहा था चश्मा चेक करा लो चल करके, लेकिन नहीं, बस मोबाइल में लगे रहते, मोबाइल के अलावा कोई दुनिया है तुम्हारी, कुछ नहीं है, तो चलो इतना ही मौसम हो गया, काफ़ी है ठीक है, कल परसों के मुकाबले इतना तो काफ़ी सफिशेंट है, और ये होटल हमें बहुत चौकस लगा, नेक्स्ट टाइम हमने डिसाइड कर लिया है, ये तो हम रूम खरीद ही रहे हैं, और किसी को भी अगर यहाँ पे आना होगा ना तो हम उसको यही रिकमेंड करेंगे भाई, हाँ अगर डिस्काउंट चाहिए सब्सक्राइब कर दो छोटी सी बात है, कर दो लाइक भी कर देना, ये हमने ले लिया है, अब हम इसको रेंट आउट किया करेंगे, इसको एयरबीएनबी बना देंगे है ना, एयरबीएनबी बना देंगे, और बिजनेस फटाफट सब्सक्राइब लाइक कमेंट करो, डिस्काउंट पाओ, अच्छी लोकेशन पर है, बहुत ही मस्त जगह है, चलो देखते हैं लंच क्या करते हैं। तो गाइस सोनिया अभी गई है नीचे से कुछ ले रहे हैं, क्योंकि मैं अपना काम कर रहा था, और तो उन्होंने बोला कि मैं कुछ देख करके आती हूँ नीचे कि क्या है, कुछ डंकर लेकर के आते हैं उस नीचे रावत से, क्योंकि हमने होटल से नहीं मंगाया, और थोड़ा सा लग रहा था कि बाहर का बहुत ज़्यादा खा रहा हो रहा है, तो थोड़ा कुछ ऐसा लेकर के आया जो ठीक लगे, मैंने कहा ज़्यादा थाली वाली खाने का मन है नहीं, अगर कुछ फ्राइड राइस टाइप या कुछ मतलब हल्का फुल्का खाने के लायक ना वो खाएंगे, ज़्यादा हैवी नहीं खाएंगे, क्योंकि दो तीन दिन से खा रहे तो थोड़ा ज़्यादा ही स्पाइसी लग रहा है कि ज़्यादा स्पाइसी खा लिया, इसलिए थोड़ा सोच रहा है कि हल्का फुल्का खाए, तो सोनिया भी गई नीचे देखेगी कि क्या सही लगा क्या नहीं लग रहा, तो कॉल कर लेगी, कुछ उसको लगेगा कि ये पूछना है कि ये लाना नहीं लाना है, और कुछ अगर लिखा गया तो और कुछ ले आएगी, तो बोली मैं जाती हूँ देख करके आती हूँ क्या, कल रात में गए थे ना तो हम लोग काफ़ी चीज़ थी नहीं, हमने कहा कि मैगी लाओ तो मैगी भी नहीं थी, पूछा मंचूरियन फ्राइड राइस है वो भी नहीं, चाय वो भी नहीं, तो आज दिन में गए देखने कि शायद हो सकता है मंचूरियन फ्राइड राइस मिल जाए या कुछ लगभग लाइक हल्का खाने में पाव भाजी हो जाए, क्योंकि पाव भाजी बहुत अच्छी लगती है मुझे और हल्की भी रहती, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं रहती, देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, तो इसलिए सोनिया गई कि भी देख कर गया था, क्योंकि यहाँ से फिर पास्ता या कुछ हैवी खाना मंगाने का कुछ मन नहीं था यार, क्योंकि लग रहा ना कि जो भी खाएं अभी हल्का ही खाएं, क्योंकि आज मोस्ट प्रोबेबली आज रात में हम लोग निकल ही जाएंगे, क्योंकि कल निकलना था तो रुक गए, लेकिन आज जरूर निकल जाएंगे रात में, सोच रहे हैं लगभग 10 बजे के आसपास निकल जाएंगे, ताकि रात रात में ही आराम से अच्छा मौसम भी रहेगा और घर पहुंच जाएंगे जल्दी, क्योंकि वहां जाकर अपने भी काम देखने, क्योंकि मुझे आगे घर भी निकलना है, क्योंकि मैं अपने घर लखनऊ जा रहा हूं 25th को, तो मुझे भी अपनी थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है, पैकिंग वगैरह करनी है, और हमें आगे की ट्रिप्स के लिए भी प्लान करना है, तो उसके हिसाब से पैकिंग करनी, क्योंकि बीच में लौट के आऊँगा तो उतना टाइम नहीं बचेगा, तो वो सब चीज़ें मैनेज करनी ना, इसलिए मैं सोच रहा था कि आज घर पहुंच जाते लेकिन कल स्टे हो गया, तो आज रात में हाल में निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि सोनिया के भी अपने काम है, उसको भी अपने घर में जाकर देखना है, कुछ चीज़ें शॉर्ट आउट करनी है, उनके यहाँ भी कुछ इशू चल रहा है, और मुझे भी अपनी पैकिंग करनी है और सब देखना है, इसलिए आज रात में हर हाल में हम निकल लेंगे,
और एक्सप्रेस वे से ही जाएंगे, क्योंकि पिछली बार तो अलग ही सीन था। पिछली बार सोच रहा था रात में जाए ना जाए, लेकिन उसका मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाया था। आप चाहो तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो या मेरे चैनल में जाकर देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो आज हम फिर से एक्सप्रेस वे से ही जाएंगे रात में, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है और बढ़िया मौसम रहेगा। सुनने में आ रहा है कि दिल्ली में बारिश हो भी रही है, तो अच्छी बात है। अगर बारिश हो रही है तो वैसे भी, क्योंकि आप कह नहीं सकते ना कि कल हम दिन में निकलेंगे बारिश मिलेगी, जरूरी नहीं होता था धूप ही धूप मिले। तो वैसे भी हाथ पैर इतना टैन हो गया, और दिन में बहुत गर्मी हो जाती है ना, साइनस हो जाता है। धूप से गाड़ी में एसी चलाओ, बाहर निकलो, ये सब फसल हो जाती है। तो अपने हेल्थ को नहीं ख़राब करना इस चक्कर में, तो सोच रहे रात को ही निकलेंगे, आराम से ठंडे ठंडे मौसम पहुँच जाएंगे। चलो वेट करते हैं, सोनिया आ जाए, फिर देखते हैं क्या लेकर के आती है। तो सोनिया को फ़ोन आया था, कह रहे थे कि मैंने मैगी और चाय और शायद समोसा वगैरह लिया है, शायद यही था। बोले नीचे लिफ्ट के पास आ जाना, क्योंकि सोनिया लिफ्ट यूज़ नहीं करती, वो आती स्टेयर से, तो सिक्स फ्लोर चढ़ना है, तो चाय हो सकता गिर जाए। तो उसने कहा नीचे आ जाओ, लिफ्ट से साथ में चल लेना। तो मैं जा रहा हूँ नीचे फटाफट, ताकि चाय बना गिरा, मतलब हाथ वहाँ जल गया तो मुसीबत हो जाएगी। तो चलो पहले फटाफट से नीचे चलते हैं, लिफ्ट लेते हैं, क्योंकि लिफ्ट आने में भी बड़ा टाइम लगता है। ये देखो अभी पता है कितने सारे स्कूल के मिल गए थे, तुम भी चालू हो गई। ये देखो, ये देखो पति पत्नी व्लॉगर, पति पत्नी व्लॉगर। तो गाइस ये देखिए, ये हमारी बीवी है, ये हमारे पति हैं। ये सही था यार, पता नहीं क्या हो जाता है कई बार ना, ये जो रूम कीज होती है ना वर्क नहीं करती। पता नहीं जैसे रूम एक्सटेंड कर दो अगले दिन 12 बजे के बाद, ये मोबाइल के साथ, ये पता नहीं क्या हो जाता है इनमें इलेक्ट्रॉनिक चीजों में। बाहर जा रहे हुए 6 फ्लोर ऊपर आए, अब नीचे फिर जा रहे हैं, खैर लिफ्ट से जा रहे हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है, चेंज करवाते हैं। तो फिलहाल अभी गए उन्होंने अपने कंप्यूटर पे कुछ किया, अभी ठीक है, अभी जाते हैं। सोनिया बाहर खड़ी होगी, अभी जाते हैं। होता है कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को ना पंगा हो ही जाता है। चलो फिलहाल ये ठीक हो गई है। और ये है अपने दही पुचके। ये क्या है? दही पुचके। ओ भाई साहब, ये देखो दही पुचके लेकर के आई है। अभी मैगी और ये इसमें सैंडविच है। चाय डिस्पोजल टाइप ग्लास से वो एकदम मेल्ट हो गया, वो गर्म करके थोड़ा हैंडलिंग में लाने देने में। तो चलो फिलहाल ये तो मैं अभी खाऊंगा नहीं, ये तो ये खाएगी, क्योंकि इसको बहुत पसंद है। देखना ये दही वाले, ये सब भरे वाले, और वो भी भुजिया वाले मसाले जैसे हैं। और ये अपनी डबल मसाला मैगी, देखो। उसके बाद अपना सैंडविच खाएंगे। ये दही भरा होगा पूरा पूरा। खा लो मैं बैठा हूँ आराम से, शांति से बैठा हूँ। तो पहले टेस्ट ले लो, पूरा जायका ले लो, जीभ दाएं बाएं आगे पीछे सब कर लो। हाँ मैंने खा ली ना, वो नहीं खा पाऊंगा। तो वो नहीं, क्या नहीं खा पाऊंगा? पानी वाले। अच्छा अभी एक साउथ इंडियन, अभी एक बैंगलोर का ना, अभी चाय पीनी ना, इनको बाद में खाएंगे, खराब तो नहीं हो जाते ना। ठीक है फ्रिज में रख दो, फ्रिज वहां पर है। शक्ल देखो, सीरियस है? मुझे नहीं पता। पता तो मुझे भी नहीं, मैंने तो बोला ही था। चलो भाई मैगी निपटाने से पहले ठंडी हो जाए चाय। हम लोगों ने कप में निकाल दिया, डिस्पोजल ग्लास तो एकदम शहीद हो गए थे, मतलब चाहिए। चलो मैंने एक चीज देखी है आज, पैकिंग में कुछ डिफरेंट सामान आता है, आराम से निकालना लो। ये देखो केक। इसी में केक निकल आया, उसी में कर लेती ना वो तो। अरे उसमें वो है, पैक। हाँ तो उसको ऐसे उठा कर लेती ना, क्योंकि वो लोग ना नूडल्स को ऐसे तोड़ते नहीं है, वो पूरा ऐसे उठा करके डाल देते हैं, इसलिए वो टूटती नहीं। चलो भाई इसे पहले ठंडा और निपटा लिया जाए। तो गाइस अभी सोनिया गई है अपने वही मीटिंग्स पे, उसके बाद जब आ जाएगी तो आज हम फाइनली निकलेंगे। मैं अभी थोड़ी सी पैकिंग वैकिंग कर लेता हूँ अपना काम निपटा के, क्योंकि मैं भी अपना काम कर रहा था, तो पैकिंग वैकिंग भी कर लेते हैं। और उसके बाद लगभग 8:30-9 बजे का भी, लगभग 6:30 हो रहे हैं, 8:30 या मतलब 9:30-9 बजे तक वो आएगी, तो उसकी 2 मीटिंग है। तो 9:30 में एक बार को चल रहा हूँ, 10 बजे आएगी, 10 बजे भी हम 10:30 बजे भी निकलेंगे, तो आराम से 3 बजे तक हम दिल्ली पहुँच जाएंगे। तो वही मैं अभी मैं दिखाता हूँ, क्योंकि वो पीछे से निकलेगी ना, तो मैं दिखाऊंगा। अभी मैं ये विंडो हटा दूंगा, क्योंकि ऐसे इससे ना व्यू अच्छा नहीं आ रहा। और ये आ गई, ये जा रही है। इसने फ़ोन किया कि जब निकली तो बताइए। हाँ मैडम धीरे धीरे जा रही है, मैंने बोला ना वीडियो बनाऊँगा धीरे धीरे, कल बहुत देर चली गई थी, आना तो मैं इसको बताऊँगा। चलो ये गई है, अभी 1-2 घंटे में आएगी तो हम लोग फिर चेकआउट करेंगे। तो क्या देखो, कल आइसक्रीम ला कर रखी थी, सोनिया ने खाई नहीं, अभी भी फ्रिज में रखी हुई, अभी निकाली दोपहर में, वो दिखा रही थी निकाल करके, कल अपने रसगुल्ले खा लिया, मेरी आइसक्रीम मुझे नहीं बताई, निकाली और फिर उसी में रख दी। और मैं अगर रात में निकलना होगा तो रस्ते में तो थोड़ी ना खाएंगे, तो उससे मैं आधी में खा ही लेता हूँ, आएगी तो चल जाएंगे, थोड़ी छोड़ दूंगा। और कितनी देर रख निकल, रात की लाई हुई रखी हुई, अभी तक खाने का होती नहीं आया। तो चलो कोई नहीं, मैं तो इतनी पसंद नहीं करता, लेकिन थोड़ी बहुत तो खा ही लूँगा। तो गाइस हम लोग कर रहे हैं अब चेकआउट, अभी बज रहे हैं लगभग 8:30, हम लोग कर रहे हैं चेकआउट, अभी नीचे जाते हैं,
चेक अकोमोडेट करते हैं, पे करते हैं जो भी हम लोगों ने यहाँ पे खाया पिया, उसके बाद निकलते हैं, मिलते हैं रास्ते में आगे। तब हम लोग फाइनली आ गए हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे, लगभग 10:15 हो रहे हैं। हम लोग 8:50 पे लगभग 8:50 के उसमें अपने होटल से निकले थे और एक घंटे में लगभग आ गए हैं। तो अभी 10:15 हो रहा है, अभी एक मैप लगाया हुआ है, एक रेस्टोरेंट सर्विस एरिया मैंने देखा था पिछले बजे आए थे, रुके थे, अभी आधा घंटा दिखा रहा है, वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ पर थोड़ा फ्रेश होंगे, लग रही है बाथरूम, सोचा था टॉल पर रहूँगा पर टॉल पर था नहीं, चलो कोई नहीं, वहाँ पर आके रुकेंगे, हल्का फुल्का कुछ कुछ खाएंगे पियेंगे, अगर अभी तक खैर उतनी भूख लग भी नहीं रहती, इसलिए हम लोग वहाँ से खा के नहीं चले वहाँ, तो फटाफट वहाँ पे रुकते हैं, तो वहीं पे कुछ खाएंगे पियेंगे, फ्रेश होंगे। चलो भाई, अभी रेस्टोरेंट सर्विस मिला है फाइनली, मिला क्या मतलब हमने इसी की लोकेशन डाली थी, और बहुत देर से बाथरूम लगी हुई है, दबा के चले आ रहे हैं, 119 फटाफट से यहाँ कुछ देखते, पहले हल्के होते हैं, कुछ खाने पीने का इंतजाम होगा तो ठीक, नहीं तो हल्का फुल्का तो हो ही लिया जाए शायद, ये वही है उसके अपोजिट जो हम उधर रुके थे। चलो देखते हैं, हम लोग यहाँ पर आए, ये होटल टोकस करके इस तरफ पड़ता है, अरे बहुत तेज बाथरूम लग रही थी भाई, सबसे पहले दौड़ के गए अमेज़ोनिया, बड़ा भाई अनबियरेबल, जयपुर से एग्जिट करते ही लग रही थी, तब से कहीं रुके ही नहीं, सीधा यहाँ आकर रुके, सोचा था टॉल पर कुछ बना होगा, टॉल पर तो कुछ बना ही नहीं था, यहाँ रुके हैं, देखते हैं कुछ ऑर्डर करते हैं, खाते पीते हैं, फिर यहाँ से सीधा घर निकलेंगे। हाँ, यहाँ पे बुफे सिस्टम भी है, पीछे देखोगे तो बुफे सिस्टम भी बना हुआ है। तो क्या ऑर्डर कर रही हो? पता नहीं, चाय बोल देते हैं, चाय पहले देख लेते हैं, क्या मेन्यू कार्ड देख लेते हैं, ये इसका मेन्यू कार्ड है, जो मर्जी है खाओ, देखते हैं क्या मंगाते हैं। टोकस है ना, काफ़ी बड़ा बना हुआ है, सही अभी तो अभी और भी कुछ बन रहे हैं ना, इतना लंबा बना हुआ पूरा। तो गाइस हम लोग वहाँ से भी खा पी के आराम से निकल के, खाना बढ़िया था, हम लोगों ने एक तो इतना ज़्यादा खाना नहीं था, हमने हैवी मील नहीं मंगाया था, हमने बस दाल राइस और एक रोटी मंगा ली थी, क्योंकि ज़्यादा खा लो ना तो फिर बैठे बैठे अजीब सा लगने लगता है, ब्लोट होने लगता है, और खाना बहुत बढ़िया था, नो डाउट उधर के कंपेरेटिवली मैं बताऊँगा, इधर का ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब जयपुर से दिल्ली जाते साइड में ना, लेफ्ट साइड में जो मतलब रेस्टोरेंट सर्विस एरिया आती है, ये ज़्यादा सही लगे, नीट क्लीन भी था उधर, देखो जब नया खुल जाए तब, अभी तो फिलहाल इधर का तो मस्त था, मज़ा आ गया खा करके, अगर दिन में होता ना तो आराम से और भी दाल रोटी पाड़ते, क्योंकि हम लोग शाम में तो उधर वो हल्का फुल्का खा लिए तो उतनी भूख नहीं रही, इसलिए हमने जयपुर से नहीं खाया, इधर रास्ते में यही रुकेंगे यही खाएंगे, तो हल्का फुल्का खाया मज़ा आ गया, दाल तो बढ़िया थी यार, रोटी कितनी मस्त लगी, सॉफ्ट रोटी एकदम गर्म गर्म, मज़ा आ गया, हल्का फुल्का खाया और रीजनेबल भी है, ज़्यादा महंगा नहीं है, मतलब हमने दाल राइस एक रोटी 325 और 325 मतलब वही 326 रुपये में 325 रुपये में निपटा दिया, और क्या चाहिए, और भी आगे बन रहे हैं उसके अगल बगल में, जैसे जैसे धीरे धीरे खुलते जाएंगे, वो होता है ना एक टेंडर होता है, जिसको जो मिल जाए वो अपना यहाँ पे बना ले, सेटअप कर ले, हमने पूछा वो रजवाड़ा दिखा रहा था, बोला अभी आ रहा है प्रोसेस में, मतलब आ जाएगा 1-1.5 महीने में और भी यहाँ खुल जाएंगे, तब और सही रहेगा, तो आप दिन में आओ रात में आओ, उधर का तो नहीं कह सकते कि वो अच्छा है, क्योंकि हमने खुद दो बार देखा, अगर आप पैकेज फूड खाना चाहते हो तो हमारा ब्लॉग देखना, उसमें जब हम पिछली बार जयपुर आए थे तो हम एक जगह रुके, वहाँ पे दो फूड ट्रक थे, एक डोमिनोज का था जो उसमें बंद था, और एक और फूड ट्रक था जिसमें हमने समोसा और पोहा लिया था, पैकेट था तो काफ़ी अच्छा था, जो भी है बराबर काफ़ी था, अच्छा था, इस बार आए हम उधर रुके, वो गंदी सी इडली दे दी, तो वो तो शुक्र है कि एक सैंडविच और एक ब्रेड पकौड़ा खा के हम लोगों ने काम चला लिया था, चाय नो डाउट अच्छी थी, लेकिन खाना उस तरह से हमने ऑर्डर भी नहीं किया था, उसका खाना अच्छा हो, ये साउथ इंडियन टाइप ये सब उन्होंने ना अच्छा बनाया हो। फिलहाल अगर आप जयपुर से दिल्ली की तरफ जा रहे हो तो यहाँ पर आप रुक सकते हो, द टोकस साई होटल, इसमें खाना बढ़िया था और यहाँ का एम्बियंस भी बढ़िया था, नीट क्लीन था, बढ़िया था। तो चलो आप खा पी लिया, लगभग 11:15 हो रहे हैं, लगभग 1 बजे तक दिल्ली पहुँच जाएंगे, 1:30 बजे तक मान के चल रहे हैं दिल्ली पहुँच जाएंगे।
भाई क्या ही कर रहा है इसका देखो स्पीड से अलग ही तिरंगी है पता नहीं क्या है स्विफ्ट वाला मिला था पीछे वो तो भाई लाइट बंद कर करके गाड़ी मोड़ ली उसने भाई साहब आ गया सोना ये नो का वो कट दिया हो ना एग्जिट नो का कट चकाचौंध वो रखी है चकाचौंध तो फिलहाल हम लोग आ गए सोना के पास ज्यादा तो दिल्ली अब ज्यादा दूर नहीं पिछली बार भी इतना ही टाइम लगा था इस बार भी मतलब थोड़ा सा स्लो ही चला लेकिन फिर भी सही सा टाइम लगा था 12 बज रहे हैं हाँ तुम 2 बजे कह रहे थे हम 1 बजे तक घर पहुंच जाएंगे भाई ये चीज तो बहुत खराब लगी है कि इन्होंने कितना भी साइड की रेलिंग कर रखी है भाई जानवर तो घूम रहे हैं स्पीड भी आपने 120 दे रखी है भाई क्या फायदा अचानक सामने कुत्ता आ जाए रात में बिल्ली आ जाए लोमड़ी आ जाए चढ़ के तो क्या ही करेगा आदमी जब तक ब्रेक लगाएगा तब तक गाड़ी इधर उधर पलट पड़ा जाएगी या तो वो उड़ा देगा दो ही चीज होंगी क्या फायदा हुआ रेलिंग बना करके अरे रेलिंग बनानी थी तो ऐसी बना देते कम से कम कि एक भी जानवर छोटा मोटा भी ना आ सके कुत्ता बिल्ली और ये लोमड़ी सियार जैसा भाई जरूरी थोड़ी ना गाय बड़े जानवर के लिए तुमने रेलिंग करी छोटे जानवरों से भी दिक्कत है भाई तो लाइव देखी हमने अचानक से आदमी 120 चल रहा है और लोमड़ी कुत्ता उधर उस बार पीछे आए थे तो बकरियां तक निकल के साइड में चल रही थी अंदर किनारे किनारे जो घास लगी हुई ना रेलिंगों के पास क्या फायदा हुआ कहाँ से सेफ्टी हुई यार स्पीड लिमिट 120 है अब आदमी 120 तो चलाएगा ही कुछ तो 130-140 पहुंच जाएंगे अब ऐसे में हादसा हो जाए अब जानवर को ही बचाना है खुद को ही बचना है पता चला दोनों ही नहीं बचे क्या फायदा है यार जहाँ थोड़ा पैसा लग रहा था वहाँ साइड में और वो रेलिंग के साथ साथ जाली लगवा देते लोहे वाले ताकि जो जाली रेलिंग के नीचे नीचे जगह है ना इससे अंदर ना आते थोड़ा खर्चा और सही क्या बताया वही है कि आप आराम से चलिए तो भाई चलो फिर 70-80 चलो फिर 120 की लिमिट में हटा दो 80 लिमिट कर दो 120 की लिमिट ही नहीं देनी चाहिए फिर चुके हैं आए थे पिछले मंथ तो इस बार आए तो मतलब पुनः ही पता रहे हैं ठीक आ रहे हैं फिर से पता रहे तो ठीक है फिर से पता रहेंगे महीना दो ही महीना में यहाँ से भी नू के रास्ता दे दिया अच्छा नू 1 किलोमीटर है बस सोना से आगे नू पड़ जाता है यही मेरी हुई थी वो घटना पहाड़ का है वो पहाड़ में मंदिर बना हुआ था ना बता रहे हैं एक्सप्रेसवे छोड़ने का अब हम घूमी घूमी करेंगे गोल गोल घूमेंगे गोल गोल घर आ गए हैं लगभग 1 बजे आ रखे थे 15-20 मिनट लग गए बहुत गर्मी हो रखी थी घर बंद बंद हो जाता ना तो एकदम भभका भर जाता आके फटाफट से दोनों रूम के एसी चलाए फैन चलाए मोटर ऑन कर दी मुंह धोया भाई
बहुत ह्यूमिड हो रखी है। पता नहीं कल शायद बारिश हुई होगी, उसके बाद बताया ना बारिश के एक दो दिन बाद इतनी उमस रहती है ना कि पूछो बिल्ला आ गया। तो सामान वामान लेकर के ऊपर फ्लोर चढ़ो जीना चढ़ो तो और गर्मी लगने लगती है, तो भाई हालत ख़राब हो रही थी। फटाफट से मुँह हाथ धोया, पानी वानी पिया, फ्रेश हुए, अब जा रहे हैं आराम करने। थोड़ा आराम करेंगे, लगभग 1 बजे तक तो पहुँचना ही था, 1 बजे तक पहुँच गया था, फ्रेश वेश हो गया। अब करते हैं ब्लॉग को यहीं पर एंड। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं कल आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।